गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 18, दैट इज रिलेटेड टू वेस्ट वाटर स्टोरी. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट वाटर के बारे में. व्हाट इज वेस्ट वाटर? ओके, तो वो सारा वाटर जो हमारे होम से, ठीक है, इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, यानी कि यूज़ करने के बाद. होम से कैसे होगा? ठीक है, जैसे बाथिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किचन में यूज़ करा जाता है. अब यहाँ पे जब हम वाटर यूज़ करेंगे बाथिंग के लिए, और उसके बाद जो वाटर हम शावर से यूज़ करते हैं ना, वो कैसा हो जाएगा? वो डर्टी वाटर हो जाएगा. ठीक है, तो वो आपकी पाइप से चला जाएगा, यानी कि उसको डर्टी वाटर में इंक्लूड किया जाएगा. किचन से जब आपने बर्तन साफ़ करे, और उसके बाद जो वाटर फॉर्म होगा वो कैसा होगा आपका? सॉरी, तो वो आपका यहाँ पे डर्टी वाटर होगा. ठीक है, तो आपके सिंक में से आता है, शावर से आएगा, देन टॉयलेट्स हैं, ठीक है, टॉयलेट्स में भी तो वाटर यूज़ होता है. ठीक है, तो वहाँ से जो वाटर आएगा, ये सारा ही आपका वाटर जो है, या लॉन्ड्रीज हैं, ठीक है, लॉन्ड्रीज में भी क्या किया होता है, जो कपड़े दिए होते हैं ना धोने के लिए, तो जब वो उनको क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, तो उसके बाद जो वाटर आएगा वो सारा आपका डर्टी वाटर होता है. ठीक है, और इसी डर्टी वाटर को वेस्ट वाटर बोला जाता है. तो चलिए, ये है हमारा वेस्ट वाटर. तो अगर आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे एक्चुअली में वेस्ट वाटर क्या है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यानी कि इसमें से कैसे रिमूव करना है, ठीक है, इसको क्लीन कैसे करना है. हम उस यहाँ पे सीवरेज प्लांट के बारे में भी देखेंगे. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज वाटर की जो करी जाती है, ये जो वेस्ट वाटर है ना, इसी को सीवरेज वाटर बोला जाता है. ठीक है, इसी को सीवरेज बोला जाता है. तो इसको हमने ये जो रिमूवल करने हैं, ठीक है, अभी इसमें सारी डर्टी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, इनको कैसे रिमूवल करना है, इनको पॉल्यूटेंट बोला जाता है. अब पॉल्यूटेंट क्या होते हैं आपके? पॉल्यूटेंट होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक है, ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको पॉल्यूटेंट बोला जाता है. अब इसमें देखिए, वाटर जो कंटेमिनेट हो चुका है, यानी कि पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है, तो इस वाटर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के लिए हम इसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और अपने घरों में, ठीक है, पर्पज़ के, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे कैसे यूजेबल बनाएंगे. तो चलिए, इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है वेस्ट वाटर के बारे में. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि वेस्ट वाटर होता क्या है. तो चलिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, वाटर आर लाइफ लाइन. ठीक है, वाटर भी क्या है? हमारी लाइफ लाइन है. पिछले चैप्टर में हमने देखा था, फॉरेस्ट के लिए बोला था ना, हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वाटर भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो देखिए, ह्यूमन की जो बेसिक नीड है, यानी कि हम ह्यूमन की जो बेसिक नीड है, ठीक है, बेसिक जो मेन ज़रूरत जो है वो क्या है? वो है क्लीन वाटर. और वाटर भी हम हर कोई वाटर यूज़ नहीं कर लेंगे. देखिए, हम ओशियन या ये सी जो है, ठीक है, इसका वाटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये साल्टी होता है. ठीक है, तो हम इसे ना अपने किसी भी पर्पज़ के लिए, ना किचन के लिए, ठीक है, ना बाथिंग के लिए, और ना ही ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. हम मोस्टली कौन सा वाटर यूज़ करेंगे? फ्रेश वाटर, जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे उसमें के डिस्कस कर चुके हैं. तो हमें चाहिए, देखिए, क्लीन वाटर. तो ये यूज़ किया जाता है, जो हमें फ्रेश वाटर है, ठीक है, उसको यूज़ करना है, वो हमारा क्लीन वाटर होगा. तो मीन्स आपका जो रिवर्स का वाटर है, देन लेक्स का वाटर है, ठीक है, तो ये जो आपका रिवर्स का है, लेक्स का वाटर है, वेल्स हैं आपके, तो ये सारे ही आपके कैसे आ रहे हैं? फ्रेश वाटर में. और फ्रेश वाटर भी डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते, ऐसा नहीं करेंगे कि रिवर का पानी लाए, ठीक है, और उसको घरों में यूज़ कर लिया. तो अब कई है ना, विलेज में क्या है, पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको जैसे कुएं से निकालते हैं, उसको डायरेक्टली पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं. लेकिन आपने देखा होगा, ठीक है, मोस्टली जो शहरों में रहते हैं ना लोग, यानी कि आजकल लोगों ने मोस्टली अपने घरों में क्या, जो वाटर प्योरीफायर हैं, वो यूज़ किए होते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है यहाँ पे प्योर पानी, यानी कि अच्छा पानी मिल सके, ठीक है, और डिजीज़ भी कम हो. तो देखिए, हम फ्रेश वाटर जो वो मेनली यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि हमने क्लीन वाटर यूज़ करने हैं. तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी
18.1 में बोला गया है, ठीक है, आपको एग्जांपल दिए गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्लीन वाटर जो है आपने पुट करने हैं कहाँ कहाँ से मिल जाएंगे, तो ये फ्रेश वाटर के सोर्स है वो आपके बन जाएंगे, जिनको आप ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हो, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनको भी प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। इस वाटर को भी प्योरीफाई करेंगे तभी तो आपके टैप्स में वाटर आता है, ठीक है, और उसको आप यूज़ करते हो पीने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्लीन, ये जो आपका क्लीन वाटर है इसके बारे में आप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्लीन वाटर है, ठीक है, वो हमारे मतलब अनकंफर्टेबली जो मतलब पीने के लिए इतना यूजेबल नहीं होता है, हमें उसे भी क्या करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट करा गया था मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल जो है, ठीक है, उनको सेफ ड्रिंकिंग, कितने बताए मैंने, 1 बिलियन पीपल जो उनको सेफ यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड, अब देखिए अगर सेफ पानी नहीं मिलेगा ना, अगर सही में मतलब साफ पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, सेफ का मतलब है यानी कि क्लियर वाटर नहीं मिलेगा, जो क्लीन वाटर है वो नहीं मिलेगा उनको पीने के लिए, तो बहुत सारी डिजीज कॉज हो जाएंगी। अब देखिए जो रिवर्स का वाटर है, आपने देखा होगा गाँव में लोग हैं, ठीक है, जैसे कपड़े धोने के लिए भी, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं या ओपनली जाते हैं, ओपनली डिस्पोज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, वो सारी चीज़ें जब पानी में आती हैं, ठीक है, तो पानी आपका कॉन्टेमिनेट हो जाता है, और उसी पानी को अगर आप पीने के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। देखिए तो यहाँ पे इवन बीमारियाँ तो होगी ही, लेकिन ज़्यादा मेजर हो गई चीज़ें तो डेथ भी हो जाएगी इवन। तो ये एक तो इससे वाटर रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं और इवन डेथ भी हो जाती हैं पीपल, इवन चिल्ड्रन जो है, हमने पहले वाले चैप्टर में देखा, ठीक है, लोगों को बहुत मतलब जो चिल्ड्रन होते थे ना बच्चे, वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी होती थी, ठीक है, और उनको काफ़ी किलोमीटर्स तक दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, तो वो पानी की सीरियस प्रॉब्लम देखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 16 में इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इंक्रीजिंग स्कार्सिटी हो रही है, ठीक है, फ्रेश वाटर जो उसकी कमी हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इसके, अब लोगों की, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो अब क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के, डायरेक्टली फ्रेश वाटर को वैसे ही यूज़ नहीं कर लेंगे, इसको भी प्योर किया जाता है, ठीक है, फिर हमारे टैप्स में पानी आता है। तो हम देखेंगे कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा जो फ्रेश वाटर का लेवल है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है, हमें पानी की कमी होती जा रही है यहाँ पर। अब पॉल्यूशन काउज हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही है, वो उसकी वजह से क्या है, वो पॉल्यूशन के ही काफ़ी कारण है, ठीक है, पॉल्यूशन कॉज हो रहा है। देन इंडस्ट्रीज़ डिवेलपमेंट, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री बनाई जा रही हैं तो वो भी पोल्यूशन कर रही है। मिसमैनेजमेंट हो रही है बहुत सारे फैक्टर की। तो यहाँ पे रियलाइज़ की गई कि अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अर्जेंसी जो है मेंटेन करी गई वर्ल्ड वाटर डे जो है, वो फिर बनाया गया यहाँ पे। अब कोई भी डे बनाया जाता है ना तो उसका एक पर्पस होता है कि क्यों जो है वो बनाया जा रहा है। तो देखिए वर्ल्ड, ये सारी नीड को देखते हुए वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, सेलिब्रेट करा जाता है आपका 22 मार्च को। ये स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 2005 से, जब ये सारी नीड्स देखी गई। तो यहाँ पे जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड स्टेट की, ठीक है, ये जो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, इसकी जनरल असेंबली जो है उन्होंने प्रोक्लेम किया है यहाँ पे 2005 to 2015, ये वाला आपकी ये एक डिकेड बनाया गया, डिकेड होता है 10 ईयर्स का इकट्ठा जो बनाते हैं, ठीक है, तो 2005 to 2005 को मतलब 2005 to 2015 जो वो इंटरनेशनल डिकेड यहाँ पे बनाया गया ड्यूरिंग द डिकेड। और इसका क्या डिकेड में क्या बनाया गया, यहाँ की वाटर ऑफ लाइफ, ओके सॉरी, यहाँ पे है वाटर फॉर लाइफ, ठीक है, तो ये मतलब
आपका एक इंटरनेशनल डिकेड बनाया गया, 10 ईयर्स का ये रखा गया कि ये डेज जो मतलब ये वाली ईयर जो है आपकी, इसको किस में इंक्लूड किया गया 10 ईयर का, वाटर फॉर लाइफ, कि वाटर हमारी लाइफ है, और ऑल एफर्ट्स किए गए ठीक है इस डिकेड को। इसका मेन एम था कि रिड्यूस किया जाए, मतलब जो नंबर ऑफ पीपल जो इंक्रीज कर रहे हैं ना, और उनकी जो मेन प्रॉब्लम्स है वाटर की, उनको मतलब 50% जो वो डिक्रीज किया जाए ठीक है। तो यहाँ पे परसेप्टिबल कुछ प्रोग्रेस हमें देखने को भी मिली ठीक है, और लॉट्स ऑफ अचीव्स हमने देखे भी। 50% तो नहीं हुई हैं, लेकिन उसमें से कुछ अचीवमेंट्स तो हमने करी हैं ठीक है। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर एक्चुअली में है क्या ठीक है, क्लीनिंग ऑफ वाटर, क्लीनिंग क्या हुआ, साफ करना ठीक है। पानी की क्लीनिंग कैसे करनी है, तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, रिमूविंग ठीक है, रिमूव करेंगे हम किसको करेंगे, रिमूविंग ऑफ पॉल्यूटेंट, जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं ठीक है, उन फैक्टर को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, तो उसी को क्या बोला जाता है, क्लीनिंग ऑफ वाटर। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसको वाटर बॉडीज में एंटर करेंगे ठीक है, ये जो हमारा वेस्ट वाटर है ना, जब उसको क्या करना है, हम क्या करते हैं, जितनी भी वेस्टेज है वो डायरेक्टली पानी जो है ठीक है, वो कहाँ आता है, आपकी पाइप्स में आता है वो सारा वेस्ट वाटर, और उसको पॉन्ड्स में रिवर्स में जो वो डाल दिया जाता है ठीक है, विलेज वाले एरिया में। तो अब इसमें डायरेक्टली वाटर को, उन वाटर बॉडीज कौन सी हैं आपकी ठीक है, ये रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, सी हैं आपके ठीक है, जो लार्ज सिटी है ना वहाँ पे क्या है, आपकी जैसे सिटीज हैं तो वहाँ का जो वेस्ट होगा वो सी में डाल दिया जाता है या रिवर्स में डाल दिया जाता है ठीक है, जो गांव का पॉन्ड्स वगैरह में डाल दिया जाता है, तो वो डायरेक्टली जो पानी जाता है वो तो सारा वेस्ट वाटर है। डायरेक्टली अब पानी यहाँ जाएगा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर देगा। तो देखिए यहाँ पे वाटर बॉडीज में डालने से पहले इस वाटर को क्लीन किया जाता है ठीक है, वाटर को क्या करते हैं, क्लीन करेंगे इसमें डालने से पहले, डायरेक्टली नहीं डाला जाता, पहले उसकी ट्रीटमेंट करी जाती है, उसके बाद पानी को वहाँ पे डालेंगे। तो ये जो वेस्ट वाटर, ये जो आपका वेस्ट वाटर बताया ना मैंने सारा ठीक है, ये वेस्ट वाटर जो है, जो आपके होम से आ रहा है, लॉन्ड्री से आ रहा है ठीक है, किचन गार्बेज से आ रहा है, तो वो सारा ही वेस्ट वाटर है। इस वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सीवेज ठीक है, वेस्ट वाटर को ही क्या नाम दिया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट करना क्या होता है, इलाज करना। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है ना, हमें फीवर हो गया है तो हम मेडिसिन लेंगे ठीक है, तो उस चीज़ की हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। अब वेस्ट वाटर है तो इसकी भी क्या करी जाएगी, इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इसको डायरेक्टली रिवर्स में सी में नहीं डाला जाएगा ठीक है, इसको कुछ हद तक जो है वो यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद डालेंगे। अब देखिए सबसे पहले सीवेज है क्या, सीवेज एक्चुअली में क्या है, आपका वेस्ट वाटर है। तो ये जो सीवेज है ये क्या है एक्चुअली में, आपका वेस्ट वाटर ठीक है। अब ये जो वेस्ट वाटर है, अब वेस्ट वाटर बना कैसे, कहाँ से आया, ये आपके होम से ठीक है, जो आपके किचन में ठीक है, जो आपके किचन वगैरह में यूज़ हो रहा है या बाथिंग में यूज़ हो रहा है ठीक है, बर्तन साफ कर रहे हो वहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से ठीक है, इंडस्ट्रीज से इतनी ज़्यादा तो वो भी यूज़ करेंगी, तो जो वेस्ट होगा उसको पानी में डालेंगे ठीक है, तो वहाँ पे भी वेस्ट आ गया आपका इंडस्ट्रीज से। देन हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रही है ठीक है, वो वहाँ से आ रहा है। ऑफिस है, ऑफिस में भी क्या किया जा रहा है, या अदर यूज़र, अदर भी कई जगह पे यूज़ किया जा रहा है, तो इन सब जगह से क्या आ रहा है, ये आपका वेस्ट वाटर। अब इसमें इंक्लूड होता है, आप देखते हो रेन वाटर है, जब बहुत सारी रेन हो रही है तो ये रेन वाटर जो वो रन ऑफ करता है स्ट्रीट में से, या बहुत ज़्यादा जब तूफान वगैरह आता है ठीक है, स्टॉर्म आता है, या बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है ठीक है, तो वो पानी भी क्या है, आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हो, वो सारा पानी भी उसमें मिल जाएगा, और ये यहाँ से वॉश ऑफ होके ठीक है, जो वाटर जो है, या वॉशेज जो आप अपने रोड्स को साफ करते हो ठीक है, आपको रूफ हैं जो उनको साफ करते हो ठीक है, जो रूफ टॉप हैं उनमें से पानी कैरी होके आएगा, तो इसमें बहुत सारे आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस भी साथ में आ जाते हैं ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी यहाँ पे आ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है ठीक है, जो आपका कैसी होती है, अब ये वेस्ट वाटर जो है इसमें
क्या होगा आपका, यानी कि सीवेज जो होती है इसमें मोस्टली आपका लिक्विड फॉर्म होता है, ठीक है। सीवेज आपकी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड में, और इसमें डिजोल्व होती है कुछ चीजें, तो डिजोल्व होंगी, ठीक है, बीच में, मतलब बीच में मिक्स हो गई हैं, और कुछ आपकी इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी जो सस्पेंडेड फॉर्म में होंगी, यानी कि ऊपर तैरती हुई आपको दिखाई देंगी। तो सीवेज क्या है, ये सारा आपका वेस्ट वाटर जो आपके होम्स, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस और अदर यूजर्स से आता है, रेन वाटर या हैवी रेन या आपका ये जो स्टॉर्म होता है, ठीक है, इसका भी पानी जाता है या रोड में से निकल के जा रहा है, तो वहाँ से बहुत सारे हार्मफुल केमिकल, ठीक है, रोड के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें गिरी हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके सॉलिड वेस्ट है, तो उनको भी इकट्ठा करता हुआ, तो उसमें बहुत सारे जो है वो आपके क्या है, केमिकल्स भी आ जाते हैं। तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, डिजोल्व हैं कुछ इम्प्योरिटीज, डिजोल्व हैं और कुछ आपके ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे एक्टिविटी 18.2। तो 18.2 जो वो एक्टिविटी एक्चुअली में करने के लिए दी गई है, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपको कहीं भी ओपन ड्रेनेज आपके घर के आसपास, स्कूल या रोड साइड एरिया में, ठीक है, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो कि कहीं पे अगर ओपनली पानी यहाँ पे बह रहा है ना, आपको दिख रहा है कि ओपनली पानी जो है, या सीवेज कहीं से क्या हुई है, सीवेज वाली पाइप्स होती हैं ना, तो कहीं से क्या हो जाती है, फट जाती हैं कई बार, तो पानी जो वो लीक होता रहता है वहाँ से, अगर आपको ऐसी ड्रेनेज दिखाई दे रही है या पानी कहीं से निकल रहा है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। आप रिकॉर्ड क्या करोगे, उस पानी का कलर कैसा है, ठीक है, सेकंड थिंग उसमें से ओडियोर कैसी आ रही, ओडियोर होती है स्मेल, ठीक है, उसमें से कैसी स्मेल जो है वो आपको, मतलब आप तो उसको फील कर पा रहे हो, कैसी स्मेल है, या और कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको दिख रही है वहां पे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कर सकते हो आपके घर के आसपास, अगर आपको कैसे ऐसे खुला में पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या सीवरेज का, तो आप देख सकते हो, एक तो उसका कलर कैसा है, उसमें कैसी गंदी स्मेल आ रही है, ये कैसी आ रही है, ठीक है, फॉल स्मेल, या और कोई ऑब्जर्वेशन जो आपको दिखाई दे देती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, फैमिली मेम्बर के साथ भी। तो आप जानते हो सीवेज जो है, अभी बताया मैंने सीवेज क्या है, तो सीवेज आपका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है, ये होम वेस्ट, इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी वेस्ट है वो सारा ही मिक्स होता है, तो इसमें बहुत सारे आपके कुछ सस्पेंडेड होते हैं तैरते हुए, ठीक है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, देन आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हुए, जैसे ह्यूमन की फीसिस है, ठीक है, ह्यूमन का जो वेस्ट मैटर होता है ना, ह्यूमन फीसिस है, एनिमल फीसिस हैं, ठीक है, या जो एनिमल, डेड एनिमल हैं, ठीक है, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो हैं, वेस्ट जो होता है, ठीक है, फीकल मैटर जो होता है, वो सारे आपके ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपके आएंगे जो आप खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड होते हैं कीड़ों को मारने के लिए दवाएं, ठीक है, हर्बिसाइड होते हैं जो आपके कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है ना, जिसे आप घास वगैरह बोलते हैं, जो आपकी फसल के बीच ग्रो कर जाती है, तो वहां पे हर्बिसाइड लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको किल करने के लिए, वो सारे केमिकल है, जैसे यूरिया वगैरह है, वो खेतों में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो सारे इनऑर्गेन जब बारिश होगी तो पानी के साथ, मिट्टी के साथ बह के वो कहां चले जाएंगे, आपके रिवर्स पॉन्ड में चले जाएंगे। देन सेप्रोफाइट्स हैं, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं, तो ये सारे क्या कहते हैं यहाँ पे, एंड कुछ डिजीज़ काउजिंग बैक्टीरिया, जो डिजीज़ वहाँ पे आपको पता है ना, गंदा है पानी, तो उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे, तो जो डिजीज़ काउज करने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी क्या होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। और कुछ अदर माइक्रोब्स होंगे, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ह्यूमन फीसिस जो होगी, ह्यूमन का जो फीकल मैटर है, ठीक है, फीसिस है यहाँ पे, जो वेस्ट मटेरियल है जो खाने के बाद निकालते हैं ना वेस्ट, उसको बोला जाता है ह्यूमन वेस्ट जो है, ठीक है, देन यूरिन जो है, या एनिमल का जो वेस्ट है, ठीक है, जो गोबर वगैरह होता है एनिमल का, वो फीकल ही है उसका, देन ऑयल हैं कुछ, ठीक है, तो वो आपके सारे ऑयल हैं, देन पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया, ठीक है, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं कीड़े जो फसलों में लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए जो दवाई यूज़ करी जाती है तो वो पेस्टिसाइड है। फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो सारे आपके ऑर्गेनिक में आ गए। इनऑर्गेनिक में कौन से आएंगे, नाइट्रेट किस में होंगे, जो यूरिया वगैरह या फॉस्फेट जो खाद वगैरह यूज़ करी जाती है, या मैंने आपको बताया उस तरीके के केमिकल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक में, ठीक है, वो पानी के साथ बहेंगे और वहाँ पे आ जाएंगे जब बारिश होगी। न्यूट्रिएंट होंगे,
ठीक है, न्यूट्रिएंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से हुए जो प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो भी तो बह जाएंगे साथ में सॉइल के। तो फॉस्फेट है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट है, देन नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या आ गए यहाँ पे, न्यूट्रिएंट। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। अब बैक्टीरिया आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे जो बीमारियां फैलाएंगे, ठीक है, डिजीज कॉज करेंगे। तो जैसे एक का नाम बताती हूँ, बिब्रियो कॉलरा, ठीक है, तो बिब्रियो कॉलरा, ठीक है, यहाँ पे है आपका ये बिब्रियो कॉलरा, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, ये टाइफाइड कॉज करता है यहाँ पे, ठीक है, एक बिब्रियो कॉलरा है जिसकी वजह से कॉलरा डिजीज हो जाती है, ठीक है, ये कॉलरा डिजीज कॉज कर देता है। और यहाँ पे जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया कॉज करता है ना, उसका नाम है सेल्मोनेला, सेल्मोनेला टाइफी भी लिखते हैं इसको, और कई जगह पे पैरा टाइफी भी लिखा होता है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये टाइफाइड कॉज करते हैं। तो टाइफाइड आपने मोस्टली सुना होगा, अभी भी ठीक है, पीछे बीमारियां चली थी तो मोस्टली बच्चों को टाइफाइड हो जा रहा था, ठीक है, तो आप जो है जानते होंगे ये टाइफाइड डिजीज़, ठीक है। तो ये टाइफाइड डिजीज़ जो वो भी क्या है, आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी। देन बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, लाइक प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में एक की बात करती हूँ, जैसे यहाँ पे ठीक है, जिससे आपसे अवेयर होंगे, लाइक मलेरिया डिजीज जिसके थ्रू होती है, वो है आपका यहाँ पे मॉस्किटो, ठीक है, देन एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। तो ये डाइसेंट्री कॉज कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं वाटर फ्रेशनस अप, ठीक है, उसको फ्रेशअप कैसे किया जाए, इवेंटफुल जर्नी के बाद, ठीक है, यहाँ पे इवेंटफुल जर्नी के बाद में। तो देखिए, होम्स में या पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जनरली वन सेट ऑफ पाइप। अब इसमें क्या होता है ना, मान लो ये देखो, ये हाउसेस हैं, आप देखो इस तरीके से बहुत सारे हाउसेस हैं, यहाँ पे ना पाइपिंग का सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ से क्या है, सीवरेज के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ना पाइप्स होती हैं लगी हुई, ठीक है, जैसे हाउसेस हैं या स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और भी, तो यहाँ पे कुछ जो वो क्लीन वाटर की होती हैं पाइप्स, ठीक है, आपने देखा होगा घरों में भी, या कुछ जो वो आपकी क्या होती हैं, मतलब कुछ क्लीन वाटर के लिए होती हैं जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, और एक जो है वो सीवरेज की होती है, ठीक है, तो यहाँ से जो है ये पाइप्स वगैरह निकलेंगी, ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से ना एक नेटवर्किंग सी होती है, ठीक है, इस तरीके से सीवरेज की, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह, ठीक है, तो ये सारा वाटर जो इस तरीके से आएगा पाइपिंग का, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है वो सीवरेज टैंक है, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा ये ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। तो ये मैंने कुछ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बताया ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है, जहाँ पे देखो आप पाइप्स के कनेक्शन होते हैं, जो वेस्ट वाटर, यहाँ से कैसा वाटर आएगा, वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर को, ठीक है, यहाँ से लेके जाएंगे आप विलेज वगैरह में, ठीक है, इस तरीके से, मतलब इतना नहीं होता है जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह सिटीज़ वगैरह है वहाँ पे अंडरग्राउंड, वैसी पाइप्स का सिस्टम होता है, वो लार्जली पाइप्स जो है या मैन होल वैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करा जाता है। तो से यहाँ पे बड़ी भी पाइप होती हैं, स्मॉल पाइप्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिन्हें ये बड़ी और छोटी जो पाइप्स हैं इनको सीवर्स बोला जाता है, दैट इज अ सीवर, और ये फॉर्मिंग करती है ना ये जो नेटवर्किंग, इनको क्या बोलेंगे, सीवरेज, ठीक है, ये सीवरेज फॉर्म कर देगी। तो ये ट्रांसपोर्ट लाइक सिस्टम जो वो फॉर्म कर देता है, जो कि यहाँ से सीवरेज को, यानी कि वेस्ट में जो वाटर है उसको यहाँ से लेकर जाएगा, ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिस्पोजल होते हैं यहाँ पे, जिन्हें ट्रीटमेंट प्लांट के पास लेकर जाएगा, ये आपका क्या है, ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारा पानी आके यहाँ आके ट्रीटमेंट करी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ना मैन होल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे होते हैं, 50 मीटर टू 60 मीटर के डिस्टेंस पे, मतलब इतने जो है हर, मतलब 50 या 60 मीटर के डिस्टेंस पे आपको इस तरीके से, जहाँ पे आपकी सीवरेज का, देखिए ये वाली आ रही है ना एक सीवरेज, एक ये आ रही है,
यहाँ पे दो तीन सीवरेज जो वो इकट्ठी होंगी, ठीक है, वहां पे एक मैन होल इस तरीके का बना होगा, या फिर जहां पे आपकी ये जो है सीवरेज वाली पाइप गई और जहां पे टर्न कर गई ना, जहां से मुड़ गई, वहां भी एक मैन होल बनाया होगा। अब कई बार हो जाती है ना, जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे अंदर जाके उसको देखा जा सकता है कि ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है या किस तरीके की, ठीक है। तो उस तरीके के उस ट्रीटमेंट मतलब उसको देखा जाता है वहां पे प्लांट को। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, ये सीवरेज का ये स्ट्रक्चर जो वो फॉर्म करा हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मोस्टली बाहर के सिटीज में भी। तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, किस तरीके का ये पाइपिंग का सिस्टम है और कैसे प्लांट की, अभी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है। अभी तो हम सिर्फ सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से पानी जो वो कलेक्ट हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी 18.3। तो इसमें क्या करना है, जो भी सीवेज रूट है आपके होम या स्कूल या बिल्डिंग के आसपास, ठीक है, सबसे पहले एक लाइन डायग्राम मैंने आपको बता दी इस तरीके से, देखिए कहाँ कहाँ पे हैं वो, ठीक है, द सीवरेज रूट कहाँ कहाँ से वो पानी जा रहा है। अब वॉक डाउन करके स्ट्रीट और सर्वे करते हैं, करे जाते हैं, जैसे कैंपस वगैरह का, देखिए उसमें देखिए कितने नंबर ऑफ मैन होल्स हैं, ठीक है, मैन होल्स, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके का बताया जाता है, ठीक है, मैन होल्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो अंदर जाके देखा भी जा सकता है। तो वो ऊपर से कवर होते हैं, ठीक है, सिटीज वगैरह में भी इस तरीके से होता है और कई जगह ओपनली होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैन होल होते हैं ये बीच में, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर ओपन ड्रेनेज हो रही है, आप रिकॉर्ड बना सकते हैं कि किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वहाँ पे किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, या आपकी लोकेलिटी में है उस एरिया में देखने को मिल रहे हैं, या हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज ऑफ और उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है वहाँ पे उस एरिया में, तो वो आप एक्टिविटी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में दिया गया था, सर्वे करने का है। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड, अब ट्रीटमेंट कैसे करनी है, अब आएगी बात। अभी वेस्ट वाटर सीवेज के बारे में हमने बात कर ली, सीवेज इज द वेस्ट वाटर, तो अब इसको ये जो हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर जो है, ठीक है, इसकी हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है, यानी कि इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या जब रिवर्स में डालना है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे जो है उसकी तरह अवेलेबल बनाया जाए। तो चलिए हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, इसको समझने के लिए, तो इस एक्टिविटी को हम कर सकते हैं, ठीक है, 18.4 में। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इसका डिस्कशन जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।